अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो डेवलप हो, तो ये आपके लिए है। बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, उसके मार्क्स कम आते हैं, क्या बच्चे की मेमोरी स्ट्रांग नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर आपके बच्चे को गाने, मूवीज, ये सब याद कैसे हो जाते हैं? कोई भी मेमोरी वीक या स्ट्रांग नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या हमारा तरीका जो हम उसे समझा रहे हैं, क्या उसमें कहीं कोई कमी है कि उसके दिमाग में वो सारी बातें रजिस्टर नहीं हो पा रही है? बच्चा इंटेलिजेंट तो है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, माय एफएम से आपसे एक वेबिनार में लाइव जुड़ने के लिए, लाइव बात करने के लिए आ रहा हूं, इन सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं। हम सब बच्चे के आईक्यू पर बड़ा फोकस करते हैं, काफी कुछ सोचते हैं, लेकिन लाइफ में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस सफिशियंट होती है, ये सोचेगा। आज का जमाना गूगल का, यूट्यूब का है। आज के जमाने में इंटेलिजेंस से ज्यादा मैटर करती है क्रिएटिविटी, चीजों को नए तरीके से देखना, क्रिएटिव तरीके से देखना, ये सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज है। इसे कहते हैं क्रिएटिव क्वोशेंट, यानी कि सीक्यू। आजकल आपने देखा होगा बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, ये कॉमन केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम सब ने ये तो सीखा है कि जब हमारी लाइफ में सक्सेस आ जाए, खुशियां आ जाए, तो हमें किस तरीके से उसे सेलिब्रेट करना है, सक्सेस में हैप्पी रहना है। लेकिन क्या हम में से किसी ने सीखा है कि जब एडवर्स कंडीशंस आ जाएं, एडवर्सिटी आ जाए, तो उसको किस तरीके से फेस करना है? इसी को कहते हैं एडवर्सिटी क्वोशेंट, यानी कि एक्यू। तो ये जो क्रिएटिविटी क्वोशेंट है और एडवर्सिटी क्वोशेंट है, एक्यू और सीक्यू, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बच्चों के कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हर बच्चे को अपना करियर चूज करने का अधिकार होता है, उसे करना भी चाहिए, लेकिन कई बार पेरेंट्स जो है अपना जो थॉट है बीच में लाकर के खड़ा कर देते हैं, बच्चे के सामने कंफ्यूजन आ जाता है। थ्री इडियट्स मूवी देखी हम सबने, लेकिन उससे सीखा थोड़ा सा कम है। कई बार हमें लगता है कि क्या पता बच्चा ये काम अच्छे से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वो पेरेंट नहीं है जो थ्री इडियट्स वाले पेरेंट्स की तरह सोचते हैं, आपने अपने बच्चे को करियर चूज करने की फ्रीडम दी हुई है, तब भी आपके सामने समस्या है। समस्या आती है क्या बच्चे को उसका इंटरेस्ट मालूम है? दो बातें सामने आती। पहली बात तो ये कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है? 6 महीने पहले उसे कोई और चीज पसंद थी, 6 महीने बाद आज शायद उसे वो चीज पसंद ना हो। और दूसरी बात, जब आपके बच्चे को यही मालूम नहीं है कि उसका इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या है, तो फिर समस्या बहुत बड़ी है। इस वेबिनार में इन समस्याओं के बारे में भी खुल करके डिस्कस करेंगे। काफी लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बात ही नहीं मानता है, हम उसे कहते हैं कि टीवी मत देखो तब भी देखता रहता है, वीडियो गेम्स मत खेलो तब भी खेलता रहता है, किस तरीके से समझाएं बच्चे को, किस तरीके से कंट्रोल करें, समझाएं कि उसे करियर पर फोकस करना है, इसका जो सोल्यूशन है ये भी आपको इसी वेबिनार में मिलेगा। तो जाते जाते आरजे कार्तिक बस आपसे यही कहना चाहता है कि इस फ्री वेबिनार को अटेंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए। याद रखिए बहुत ही लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे वेबिनार से जुड़ने के लिए जहां पर खुल करके उन सब प्रॉब्लम्स की बात होगी जो आजकल पेरेंट्स कॉमनली फेस कर रहे हैं।